साहबुद्दीन के बेटे को और हिना साहब कुछ नहीं, जीरो पर आउट। साहबुद्दीन का बेटा क्या है? चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है और कल हिना साहब महागठबंधन में कोई महागठबंधन में दम नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम लोग आज टिप्स लेंगे और सभी दल आपस में प्रदेश से लेके बूथ तक आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 2025 का रणनीति तय करें, इस पर आज विचार विमर्श होगा। जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। संगठन का सरकार के उपलब्धि को जनता तक बताने का जो हम काम है हम लोग करेंगे। सरकार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, देश की सरकार किस तरह जनता की सेवा कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बड़ी बैठक बुला ली है और तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग की। देखिए तमाम जो एनडीए के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो पहुँचने लगे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, देखिए किस तरीके से एक अन्य मार्ग में तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और आज बड़ी बैठक होगी। बिहार में चार सीटों पे उपचुनाव है, साथ में आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव 25 में होना है, उसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार पूरी तरीका से कमर कस चुके हैं और तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता को बुला लिए हैं, जिसमें तमाम नेता वो पहुँच रहे हैं। और तमाम नेताओं से जब सवाल किया गया, एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ कहेंगे, किस चीज़ को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, तो आप वो सुने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज एनडीए गठबंधन दल का आपसी समन्वय का बैठक है, इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला के अध्यक्ष एवं प्रदेश के प्रमुख नेता सभी दल के आज इस बैठक में आए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने पहले भी कहा है कि एक राजनीतिक संस्था है और नीतीश कुमार जी से हम लोग आज टिप्स लेंगे और सभी दल आपस में प्रदेश से लेके बूथ तक आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 2025 का रणनीति तय करें, इस पर आज विचार विमर्श होगा। एनडीए आपसी समन्वय के तहत ही आगे चुनाव में जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक से एनडीए गठबंधन दल को काफ़ी फायदा मिलेगा। मिशन 225 की बात कही जा रही है, कुछ टारगेट? निश्चित रूप से कोई टारगेट नहीं होता है, टारगेट तो मतदाता देती है। हम मतदाता के सामने हम खरा उतरें, इसका प्रयास रहेगा। आज एनडीए गठबंधन दल के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और सभी प्रमुख नेता को आज इस समन्वय बैठक में बुलाया गया है। इस पर संगठन को और धारदार कैसे बनाया जाए और प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक हमारे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तैयार करें, इस पर आज विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने पहले कहा कि एक राजनीतिक संस्था है, वो इतने लंबे जीवन काल से वो संगठन को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं और आज उनका हमें सुझाव भी मिलेगा, टिप्स भी मिलेगा। 2025 चुनाव हमारा लक्ष्य है और हम एक एक मतदाता के पास जाकर और उनके भावना के साथ जुड़ने का काम करेंगे। आज सभी सांसद, विधायकों की और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग आगे भविष्य की योजना बनाएंगे। अब हम सब एक साथ हैं, आज सभी विधायकों के, सांसदों की और पदाधिकारियों की बैठक है, सब आपस में मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे। 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य की, जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। बता सकते हैं क्या चर्चाएं होंगी? क्या हम तो संगठन का सरकार के उपलब्धि को जनता तक बताने का जो हम काम है हम लोग करेंगे। सरकार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, देश की सरकार किस तरह जनता की सेवा कर रही है। 25 को लेकर के भी एकदम निश्चित, हम लोग ने जिस उम्मीद से काम किया, विश्वास से काम किया, भरोसे पर खड़ा उतरेंगे। एनडीए की बैठक बुलाई है, क्या कहेंगे? एनडीए की बैठक बुलाए हैं नीतीश जी, एनडीए मजबूत हो, आगामी चुनाव हम शानदार जानदार तरीका से जीते, इसके रणनीति के लिए बुलाए।
चुनाव भी हैं बिहार में चार सीटों पे, चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है और कल हीना साहब महागठबंधन में कोई महागठबंधन में दम नहीं है। साहबुद्दीन के बेटे को और हीना साहब कुछ नहीं, जीरो पर आउट। साहबुद्दीन का बेटा क्या है? तो आपने सुना तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए एनडीए की बड़ी बैठक है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी और 25 को लेकर के भी टिप्स देंगे, साथ में बिहार में जो चार सीटों पर चुनाव हुए उसको लेकर के भी टिप्स देंगे, तमाम बातें होंगी और तमाम चीज़ को लेकर के जो कुछ रणनीति बनेगी बाहर आएंगे तमाम हम आपको बताएंगे। देखिए जिस तरीका से बैठक बुलाई गई उसको लेकर के चर्चाएँ खूब हो रही है, एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो वहीं अब एनडीए की बैठक को लेकर के वो चर्चाएँ अब खूब होने लगी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।